बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर और एक्ट्रेस कंगना रनौत के आपस का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। अक्सर ही किसी न किसी मौके पर कंगना रनौत करण पर तीखे बोल के बाण छोड़ती रहती है। दोनों के बीच अनबन बनी रहती है, लेकिन लगता है अब इस झगड़े का अंत होने वाला है। करण ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर कुछ ऐसा है कि जो दोनों के बीच दोस्ती बना सकता है। दरअसल एक इंटरव्यू में जब करण से पॉलिटिकल स्टोरी बेस्ड फिल्मों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कंगना की फिल्म का नाम मेंशन किया। करण से पूछा गया कि क्या वो कभी पॉलिटिकल इवेंट बेस्ड स्टोरी पर कोई फिल्म बनाएंगे तो करण ने कहा कि एक फिल्म अभी बन रही है इमरजेंसी और मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। करण का ये बयान कंगना से अनबन के लगभग 6 साल बाद आया है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जब कंगना अपनी फिल्म रंगून का प्रमोशन करने करण के चैट शो कॉफी विद करण पर गई थी। शो के दौरान कंगना ने करण को मूवी माफिया कहा था, वहीं नेपोटिज्म फैलाने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक जंग सी छेड़ गई थी। कई दफा दोनों को एक दूसरे पर आरोप लगाते देखा गया। हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के रिलीज के वक्त भी कंगना ने करण पर बॉक्स ऑफिस खरीदने तक के आरोप लगा डाले। इसके बाद कंगना ने करण से रिटायर्ड होने की भी मांग कर डाली। एक्ट्रेस करण पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप भी लगा चुकी है। बात करें कंगना की फिल्म इमरजेंसी की तो ये 24 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। ये एक्ट्रेस की होम प्रोडक्शन फिल्म है। इसमें उनके साथ भूमिका चावला, सतीश कौशिक, मिलिंद सोमन, महिमा चौधरी, श्रेयस तलपड़े अहम रोल निभाने वाले हैं। इसी कहानी 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान लागू हुई इमरजेंसी पर बेस्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।